राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है, और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। चीज पता है, टेम्पल इकोनॉमी के अंदर दो चीजें खास होती हैं। पहला कि जहां जहां मंदिर होता है, ये चीज पाकिस्तान भी बहुत जल्दी समझ जाएगा, एक समझदार बंदा सरकार के अंदर बैठा वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि अल्टीमेटली ये जो टेम्पल इकोनॉमी है ये है क्या। उसको देखें कि अगर उसके ऊपर ही हम सही तरीके से वर्किंग कर लें, उनकी रेनोवेशन करके उनको आम जो जनता है, इंडियन जो हमारे भाई हैं, उनको आने की इजाजत दी जाए, तो बहुत सारे पाकिस्तान जो है वो इससे पैसा जो हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, तो ये अगर मंदिरों को हम सही तरीके से ओपन कर दें तो हमारा कर्जा बहुत जल्द उतर जाएगा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, जो कि 22 जनवरी को हुआ, जिसके बाद से भारत के सभी लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है राम मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। और लोग दोस्तों इसके तुरंत बाद ही, एक दिन बाद यानी कि आज ही, लोगों का हजूम वहाँ पर उमड़ आया और सुबह से वहाँ पर इतनी भीड़ है कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। वहाँ पर लाखों व्यक्ति जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी वहाँ पर संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि वहां पर लोग काफी मात्रा में आने वाले हैं। और ये देख के पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है कि किस प्रकार से सभी लोग अपने भगवान के लिए कितने व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए। और ये पाकिस्तानी कह भी रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदू लोग जो होते हैं वो अपने धर्म के लिए पक्के होते हैं, वे हमेशा सब कुछ अर्पण करने के लिए, अपने भगवान के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कि अभी हम दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अपनी किस देर के वीडियो को स्टार्ट द वीडियो। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है, और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली, ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोस प्लेसेस जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशियस है, नेपाल है, जहां जहां पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पोलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। ये वैटिकन है, दिस इज अ वैटिकन ऑफ हिंदूज। सो नरेंद्र मोदी जो है, विद दिस अयोध्या मंदिर, ऑल दीज कंट्रीज विच हैव द रिलीज विच हैव दिस हिंदू पॉपुलेशन, दे आर गोइंग टू कम एवरी डे इन इंडिया एंड नॉट दिस। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो हैं वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके जरिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके जरिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है, अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज
ऑल इन इस रीजन में है, वो नेपाल में हो, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशन हो रही हैं, या मॉरिशियस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन अगर आप सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का नाम बता सकते हैं, तो वहां पर अब मंदिर हम बनवा रहे हैं या वो बनवा रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें कोई हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा एकदम से प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी डूब रही है। पैसे उनके पास आगे अगले 20-30 साल में उनको पता है ऑयल की जो इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उनको अब भरोसा है टेम्पल इकोनॉमी पे, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पता है टेम्पल इकोनॉमी के अंदर दो चीज़ें खास होती हैं। पहला कि जहां जहां मंदिर होता है, ये चीज पाकिस्तान भी बहुत जल्दी समझ जाएगा, एक समझदार बंदा सरकार के अंदर बैठा वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि अल्टीमेटली ये जो टेंपल इकोनॉमी है ये है क्या, ये डोनेशन बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं होता है। और एक बार आपने छोटी सी एक जगह दे दी और वहां पर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या हम लोग जो जाते हैं वहां पर, वो पैसे की बरसात वैसे ही कर देते हैं। ये चीज अब दुनिया को दोबारा समझ में आ रही है कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ सोना बहुत ज्यादा था या हमारे यहाँ सोना मंदिर में रखा हुआ था, बल्कि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तरफ हिंदू कम्युनिटी जो है वो खुद गोल्ड के डोनेशन को बहुत ज्यादा अच्छा मानती है। हमारे यहाँ सोने का दान सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है, सोने और चांदी का दान, और जहां पर भी हम माथा टेकेंगे वहां सोने और चांदी, कोशिश करेंगे लाइफ में एक बार गोल्ड डोनेट करें किसी ना किसी मंदिर के अंदर और सब चीजें। अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी में इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम उनसे हम आगे हैं, क्यों कौन आगे है? सर इंडिया आगे है, जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है, ठीक है। अब जब इनको कर्जा मिलता है ना, ये इंडिया के घुटने पकड़ के मिलता है, ये जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। आप खुद बताएं, मैं मेरा आपसे एक सवाल है, जब इंडिया आपका एक कारोबार है मोहल्ले में, ठीक है, जी, जी। उस मोहल्ले में आपकी दुश्मनी है, आप कभी उस मोहल्ले में जंग कर सकते हो? ठीक है, हमारे जो पॉलिटिशियन है इनके वहाँ पे मिले हैं, कभी जंग नहीं कर सकते ये। अच्छा। उसके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। चलो रिलेशन तो बेहतर कर ही सकते हैं ना भाई, जंग ना करो, रिलेशन बेहतर कर लो। सर ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इंडिया की बेस पे होता है कि हम इंडिया से ये करेंगे वो करेंगे, उधर इलेक्शन होते हैं हम पाकिस्तान से ये करेंगे, ठीक है, ये बेस खत्म। अब मेरे ख्याल से वो लोग कहते हैं कि अब हम। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से राम मंदिर के लिए काफी बड़ी भीड़ लगी हुई है और लाखों में लोग जो है वो राम जी के एक दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों इतनी ज्यादा परेशानी होने के बाद भी वहां पर लोग ना पीछे हिल रहे हैं, ना जो अपने घर में जाने की सोच रहे हैं, यही उनके दिल में थॉट है कि हम जो भगवान श्री राम जी के दर्शन करके जाएंगे। और ये देख के पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है कि किस प्रकार से अयोध्या में मंदिर बनने से वहां पर जो है पूरी तरीके से लोगों का हजूम उमड़ पड़ा है। और ये के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी अगर पाकिस्तान में मंदिर बनाएं, मंदिर को इनॉग्रेट करें, तो उसके बाद जो है वो हिंदू हमारे यहाँ विजिट करने आएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों ये देख के पाकिस्तानी जो है वो काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अमिल तक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।